ऐसे जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, भारत के वो डिस्ट्रिक्ट या राज्य किसके लिए मशहूर हैं दोस्तों। और टॉप क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आज लेके आए हैं दोस्तों आपको आपके समक्ष। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें दोस्तों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ दोस्तों, आए हुए हैं दोस्तों। हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही उठाता हूँ दोस्तों, जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, पिछले 3-4 वर्षों में उन्हीं को उठाता हूँ दोस्तों। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों का भी भला कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके समक्ष, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों, विदर्भ भारत में एक क्षेत्रीय नाम है और इसका एक हिस्सा है दोस्तों विदर्भ। ये दोस्तों पहली बार आप सुन रहे हो गए दोस्तों, तो आपको बता दें, ये दोस्तों आपको बता दें एमपी पीसीएस 2013 में आया हुआ था, 2013 में आया था, ठीक है। तो क्या लिखा, विदर्भ भारत में एक क्षेत्रीय नाम है और इसका एक हिस्सा है दोस्तों। तो आपको बताते हैं विदर्भ क्या होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा दोस्तों। विदर्भ के बारे में बताते हैं दोस्तों, विदर्भ दोस्तों जो महाराष्ट्र के पास सटे हुए स्टेट हमारे हैं वो विदर्भ में आते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के जो सटे हुए हैं पड़ोसी जो उनके राज्य हैं, उनके जो सटे हुए राज्य हैं उन्हें हम विदर्भ कहते हैं दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए दोस्तों, बी, ठीक है, बी हमारा राष्ट्र होगा। विदर्भ भारत में एक क्षेत्रीय नाम है, इसका नाम है एक हिस्सा है, तो महाराष्ट्र दोस्तों है इसका हिस्सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों महाराष्ट्र, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो दोस्तों, महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, ये देखो लिखा विदर्भ एक हिस्सा है, किसका है, महाराष्ट्र का एक पार्ट है विदर्भ, जिसे महाराष्ट्र का ही पूरा, देखो ये जैसा कि आप लोग महाराष्ट्र दिख रहे होंगे पूरा पूरा, ये महाराष्ट्र ही है दोस्तों, तो विदर्भ उसी का हिस्सा है महाराष्ट्र का दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो पैठ क्षेत्र कहाँ स्थित है, पैठ क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों। पैठ क्षेत्र के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे दें दोस्तों, पैठ क्षेत्र वो कहलाता है दोस्तों जहाँ पर ऊंचे ऊंचे कंकड़ीले पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, तो दोस्तों ककरीटे। तो पहला ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल है दोस्तों। तो बात करें इसके आंसर की, आंसर हमारा दोस्तों है झारखंड। तो झारखंड जैसा कि आप लोग जानते हो, और इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये बता दें, आपको मालूम है बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। वहीं पर बात करें झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, तो आपको सभी को मालूम है रांची इसकी राजधानी है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की आपको मालूम है भोपाल है। और बात करें हमारे मेघालय की, तो मेघालय के बारे में आपको क्या बताना, आपको सभी को मालूम है शिलोंग राजधानी, ठीक है। तो कहाँ राजधानी है, मेघालय की शिलोंग राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखो जैसा कि आप अभी बोला था, उसका नक्शा देख लीजिएगा आप लोग, नक्शा देखिए दोस्तों, ये हमारा है झारखंड दोस्तों। अक्सर कर ये पूछा जाता है झारखंड की सीमा किस किस स्टेट से लगती है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, ये रहा हमारा बिहार, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, कौन सा रहा दोस्तों, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ रहा भाई। पर इसकी बात करें तो ये कौन सा रहा दोस्तों, उड़ीसा रहा दोस्तों। वहीं पर बात करें इसकी, तो ये रहा बांग्लादेश, क्या रहा बांग्लादेश दोस्तों, ये बांग्लादेश रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा बांग्लादेश रहा, तो कितने राज्यों से मिलकर बनती है, 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से मिलकर बनती है, उसके आसपास में जो स्टेट लगे हैं वो 5 लगे हैं स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का कोहिनूर, क्या लगा, कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान दोस्तों। तो दोस्तों कोहिनूर की बात करें, किस राज्य को कहा जाता है, तो उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है, आंध्र प्रदेश को कोहिनूर कहा जाता है। वो आपसे एक सवाल है, जो आंध्र प्रदेश को कोहिनूर क्यों कहा जाता है, तो इसको आप लोग बताएंगे क्यों कहा जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इनकी राजधानी बता दें दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, सभी को मालूम होगा आंध्र प्रदेश, हमारी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या, कि हम ही बता दें दोस्तों। तो चलो हम ही बता देते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है दोस्तों। तो इसकी राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है हमारी, अमरावती दोस्तों। कहां पर है, एक मिनट दोस्तों, इसकी राजधानी की बात करें अमरावती है। वहीं पर बात करें केरल की राजधानी, शायद आप सभी को मालूम होगा केरल की राजधानी कहाँ पर है, कौन सी है केरल की राजधानी, तो आपको सभी को मालूम होगा तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। क्या, तिरुवनंतपुरम। वहीं पर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की आपको बता ही चुके हैं भोपाल है। और गुजरात की राजधानी आपको मालूम ही है, कौन सी है गुजरात की राजधानी, भोपाल, गांधीनगर है दोस्तों, ठीक है, गांधीनगर है। तो ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट देखा करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट, मणिपुर की अधिकांश स्थल आकृति है दोस्तों। अब मणिपुर के बारे में पूछता है कि मणिपुर की स्थल आकृति, मतलब मणिपुर जो राज्य है उसकी स्थल आकृति कैसी कैसी है, पटरीरा है, जैसे पहला मैदानी क्षेत्र है, पठार है, मार्स है, या पर्वतारोही है दोस्तों।
तो दोस्तों मणिपुर की बात करें, मणिपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ये दोस्तों लैंड लॉक स्टेट है, जैसे कि मतलब लैंड पे रहे लेकिन उधर म्यांमार लगा, इधर बांग्लादेश लगाया दोस्तों, तो ये लैंड लॉक है दोस्तों, ठीक है। लैंड लॉक स्टेट है जो हमारे बॉर्डर पर है और म्यांमार के साथ सटा हुआ है दोस्तों। तो बात करें इसके क्षेत्र की, तो क्षेत्र इसका रहा पर्वतरोही दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन पर्वतरोही दोस्तों रहेगा, ठीक है। वहीं पर बात करें इसके और एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये रहा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मणिपुर मणिपुर दोस्तों ये रहा दोस्तों मणिपुर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मणिपुर किसमें गिना जाता है? तो दोस्तों इसे याद रखना, सेवन सिस्टर में इसका नाम है, सात बहनों के नाम में इसका नाम होता है। सात सात नाम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला रहा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश रहा। यहीं पर ये असम रहा, ये असम रहा। और बात करें इसकी, ये नागालैंड रहा, कौन सा? ये नागालैंड रहा, ये नागालैंड रहा। और बात करें इसके जस्ट नीचे मणिपुर, इसके जस्ट नीचे ये वाला कौन सा रहा? ये वाला कौन सा? मिजोरम रहा, मिजोरम रहा। और इसकी बात करें ये हमारा दोस्तों कौन सा रहा? ये रहा त्रिपुरा, कौन सा रहा? त्रिपुरा। और इसकी बात करें ये करो मेघालय दोस्तों, ठीक है, मेघालय। तो दोस्तों ये रहे, तो ये सात, ये एक दो, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन सिस्टर में इनका सबका नाम गिना जाता है दोस्तों। सेवन सिस्टर में इनका नाम आता है दोस्तों, ठीक है, सेवन सिस्टर में इन्हें गिना जाता है दोस्तों। इतने जो स्टेट आपको बताना है, ये सब सेवन स्टेट में आते हैं दोस्तों, ये सारे स्टेट सेवन स्टेट में आते हैं दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। मणिपुर उनका एक हिस्सा है। और बात करें मेघालय की, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, किसके कारण होती है? क्योंकि यहाँ पर दो तीन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन सी पाई जाती? जी के जे दोस्तों, ये पहाड़ी पाई, जे के जे मतलब क्या हुआ? गारो खासी जईता दोस्तों, ये पहाड़ियाँ पाई जाती, इसलिए मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जो मानसून पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से उठकर जाता है हमारा जो मानसून, तो यहीं पर इस पहाड़ियों से टकरा कर वहीं बरस जाता है दोस्तों। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस राज्य को भारत के सिलिकॉन राज्य के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में। ये दोस्तों क्या पूछा है, किस राज्य को भारत के सिलिकॉन राज्य के रूप में जाना जाता है? वहीं पर बात करें गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल दोस्तों। तो पहले बात करें गोवा, तो गोवा की राजधानी आपको सभी को पता है, गोवा की राजधानी कहाँ पर है? तो गोवा की राजधानी क्या है, आप लोग बताएंगे गोवा की राजधानी कहाँ पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों, कहाँ पर है? पणजी। बात करें आंध्र प्रदेश की, अभी बताई थी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी है अमरावती, कहाँ पर है? अमरावती दोस्तों, अमरावती इसकी राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको सभी को मालूम होगा कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कहाँ पर है दोस्तों? सभी को मालूम होगा बेंगलोर है, कहाँ पर है? बेंगलोर, बैंगलोर। और वहीं पर केरल की बात करें, तो अभी बताई थी हमें केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ये दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। अब बात करें इनकी, क्या लिखा, राज्य के रूप में जाना जाता है, सिलिकॉन राज्य के रूप में, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कर्नाटक दोस्तों, कौन सा रहेगा? एक कर्नाटक दोस्तों, ठीक है, तो कर्नाटक रहेगा सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक की बैंगलोर शहर को सिलिकॉन घाटी के रूप में भी जाना जाता है। बैंगलोर जो इसका स्टेट है, इसका जो कैपिटल है, उसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है? इससे पहले कि आपको बताएं, तो इसके पहले आपको एक मैप दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको एक देखो दोस्तों, तो ये रहा मैप हमारा, तो आपको दिख रहा होगा हमारा छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ दोस्तों ये रहा दोस्तों, हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये रहा दोस्तों। तो किस किस से अपनी सीमा साझा करता है, वही पूछ रहा है दोस्तों। ये रहा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की आप बात करें एक नंबर पर दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक नंबर पर हमारा उड़ीसा बैठा है, यहाँ पर उड़ीसा। फिर बात करें यहाँ पर, तो यह पर झारखंड रहा, ये कौन सा? दूसरे नंबर पर झारखंड, ठीक है, झारखंड रहा। वहीं पर तीसरे नंबर की बात करें यूपी रहा, यूपी की दोस्तों यहाँ पर कौन सी है, वो गोविंद पल्लव भाई झील, गोविंद पल्लव सागर झील यहीं पर तो स्थित है यहाँ पर दोस्तों, वहीं पर मिक्सचर करता है उड़ीसा दोस्तों। वहीं पर बात करें एमपी की, चौथे नंबर पर एमपी आता है, मध्य प्रदेश। और बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र भी इससे साझा करता है अपनी सीमा, तो महाराष्ट्र रहा पाँचवें नंबर पर। अब बात करें जो हमारा एक और रहा, उसको इसका नाम क्या है दोस्तों, सभी को मालूम होगा इसका नाम क्या है, तेलंगाना दोस्तों, तो छठे नंबर पर कौन सा था, तेलंगाना। और दोस्तों एक और राज्य आता है हमारा, कौन सा आता है, सभी को मालूम होगा आंध्र प्रदेश, जैसे सातवें नंबर पर रखा हमारा आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश रहा। तो दोस्तों कौन कौन सा आया हमारा, उड़ीसा आया, झारखंड आया, उस यूपी आया, मध्य प्रदेश आया, महाराष्ट्र आया और तेलंगाना आया दोस्तों। अब हम अपने ऑप्शन पे पहुंचते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो कह रहा था, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा था, अब बात करें हमारे ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लिखती है दोस्तों। अभी मैंने आपको मैप दिखाया, देखो कौन कौन सा था, फिर आपको रटा दें कि कौन कौन सी थी, एक नंबर पर था, कौन सा था हमारा, रहा था उड़ीसा था, क्या था, उड़ीसा, फिर था झारखंड, फिर था हमारा यूपी, यूपी था दोस्तों यूपी, फिर एमपी था, एमपी था, और फिर क्या था, फिर था हमारा महाराष्ट्र था,
महाराष्ट्र, फिर कौन सा था हमारा, तेलंगाना था, तेलंगाना था ठीक है, तेलंगाना। तो दोस्तों कितने थे, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, और हमारा आंध्र प्रदेश हुआ दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो दो दो ये रहे सारे, तो इनमें कौन कौन सा नहीं मिला, देखो यूपी है ही नहीं इस ऑप्शन में भी, झारखंड है नहीं है इसमें भी, यूपी नहीं है, उत्तराखंड, उड़ीसा, उड़ीसा है, तो देखो ये भी इसकी सीमा साझा करता है इससे भी, और महाराष्ट्र भी करता है जैसा कि ये लिखा है, और आंध्र प्रदेश भी करता है, तो किससे नहीं करता, बिहार हमारा ऑप्शन होगा कि छत्तीसगढ़ बिहार से सीमा साझा नहीं करता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, सारे सारे आए हुए क्वेश्चन है, सब कुछ आए हुए क्वेश्चन है, शायद ही ऐसे क्वेश्चन कोई लाता होगा कि हमने पूरे जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने आपके समक्ष पेश की दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने लाएंगे, तो आप आपसे निवेदन, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें दोस्तों, शायद ही आपको ऐसे कोई क्वेश्चन देता होगा, अगर अच्छे लगे लाइक करें, अपने शेयर को अपने दोस्तों को भेजे के दोस्तों, कुछ ना कुछ किसी की मदद हो, हमने फिर कह देते हैं दोस्तों आपसे, अगर किसी की जिंदगी सुधरती है तो सुधरने दोस्तों, उसका पीछे मत हटना, पीछे मत हटना दोस्तों कभी भी, अगर किसी की जिंदगी आपकी वजह से सुधरे दोस्तों तो कभी पीछे मत हटना। तो बात करें अपने ऑप्शन की, पहला कह रहा है बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किस किसकी है समुद्र तल से, जैसे कि दोस्तों एक समुद्र तल से कैसे ऊंचाई नापी जाए, जैसे एक हमारा मीटर होता है उससे नापी जाती है कि हमारी ऊंचाई, कौन सा स्टेट या कौन सा स्थान, कौन सी सिटी सबसे ऊंचाई है समुद्र तल से दोस्तों। तो इन पे पॉइंट लिखे होते हैं, जैसे जीरो से चलता है, 5, 6 ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। तो इनसे बात करते हैं, तो जो हमारी सबसे ज़्यादा है, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा इनमें ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऊँचाई किसकी है, तो बेंगलुरु आपको बता दें कितनी ऊँचाई समुद्र तल से कितनी ऊँचाई पर, तो दोस्तों इसकी याद रखना बेंगलुरु है 920 मीटर, क्या है 920 मीटर। वहीं पर बात करें दिल्ली कितनी ऊँचाई पर है हमारे समुद्र तल से, तो समुद्र तल से हमारी जो दिल्ली है तो दिल्ली कितने पर है, 234 पर है दोस्तों। अब वहीं पर बात करें हम अपने जोधपुर की, तो जोधपुर कितने पर है, जोधपुर है 233 पर दोस्तों, 233 पर। वहीं पर बात करें हमारे नागपुर की, तो नागपुर है 312.42 दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है 312.42 मीटर दोस्तों। तो बात करें सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया, तो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए, हमारा आंसर होगा बेंगलुरु, समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे ये सब कुछ उसे अभी मैंने बताया, तो उसी के बारे में ये रिलेटेड सब दिया है दोस्तों। समुद्र तल से मतलब ये होता है समुद्र तल जितने गहराई पर है, समुद्र कितनी गहराई तक जा सकते हैं हम लोग, वहाँ से नापा जाता है कि कौन सी ऊंचाई स्थल जाता है, ठीक है। तो आप रखना सबसे ज़्यादा हमारी जो ऑप्शन दिए, तो उसके अनुसार हमारा बेंगलुरु सबसे ऊंचाई पर है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट कौन सा राज्य पूर्वी, क्या लिखा, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है दोस्तों, क्या लिखा, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। वहीं पर बात करें मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा सॉरी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टेशन स्टार्ट किया था तब आपको बताया था सेवन सिस्टर का कौन कौन से पार्ट होते हैं, दो दोस्तों ईस्टर्न, जैसे कि हम मैप देखते हैं दोस्तों आपको, जैसे कि हमारा ये भारत का नक्शा रहा है, ये भारत का नक्शा रहा दोस्तों, ये भारत का नक्शा रहा ना, तो इसमें जो दोस्तों ईस्ट जिसे बोलते हैं, हम भारत नक्शा देखने की बात करें, ईस्ट बोलते हैं इसे, वेस्ट बोलते हैं इसे, नॉर्थ बोलते हैं और इसे साउथ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो बोलते हैं इसे साउथ बोलते हैं, इसे नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट पर वेस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेट पाए जाते हैं उसे सेवन सिस्टर कहलाते हैं, जो हमारे बांग्लादेश और भूटान की सीमा के बीच से निकलते हुए जितने भी राज्य पड़ते हैं पड़ोस इधर वाले, तो सब हमारे सेवन से हमारे जो क्या कहते हैं सीमा साझा करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है हमारी, तो उन्हें बोला जाता है सेवन सिस्टर के रूप में। तो दोस्तों इसमें बात करें हमने उतने घन बताया था कौन कौन सा था दोस्तों, आपको बता दें जैसा कि आपको मैप में दिखाते हैं दोस्तों कौन सा था। तो देखो पहला था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये देखो सेवन सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश भी गिना जाता है। वहीं पर बात करें हमारे नागालैंड की नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर और हमारा मिजोरम, त्रिपुरा। दोस्तों ये हमारे सेवन सिस्टर सात सात हो गए, तो एक हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, छह हुए और सात हुए दोस्तों, ये सात हो रहा। तो सात ये स्टेट हमारे सेवन सिस्टर के रूम में जाने से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उमदा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है सेवन सिस्टर का कौन सा पार्ट नहीं है, यही क्वेश्चन में इसमें पूछा जाता है। तो आई रिपीट कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है, मिजोरम है, सिक्किम नहीं है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, ठीक है दोस्तों। तो बात करें इसके आंसर की, तो आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें देखो हमने बोला था मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी, त्रिपुरा भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल हिस्सा इसका नहीं है दोस्तों। आपसे निवेदन है पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो बता दें
किस नदी के किनारे है? रजे आओ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सभी को मालूम है किस नदी के किनारे, तो अभी बता सकते हो कि किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ये तो बहुत ट्रिक ट्रिक चूदा क्वेश्चन है, आप मुझे इतने सिंपल क्वेश्चन कहाँ से मिले दोस्तों। ये यूपी यूपी पी यूपी एस आई यूपी एस आई में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का, कितने का, 2014 का है, यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों, 2014 का है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला लिखा मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, भाई तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो इतने तिच्छू का क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ तो आपको बेसिक नॉलेज दे दें दोस्तों। पहले जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना, भोपाल ये तो जानते हैं, लेकिन ये हमारा मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो दोस्तों लिखना प्रारंभ करें तो इसमें 50 जिले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। वहीं पर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के बारे में आपको जानते होंगे, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर, मुंबई है दोस्तों, कहाँ पर, मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो इसमें कितने जिले हैं, तो वो भी आपको मालूम होने चाहिए, तो कितने हैं, 35 जिले हैं। वहीं पर बात करें हमारे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो कहाँ कहाँ पर है? तो वो पुंडुचेरी है, कहाँ पर है, पुंडुचेरी। तो पुंडुचेरी इसकी राजधानी है, पुंडुचेरी, ठीक है, पुंडुचेरी इसकी राजधानी है। वहीं पर बात करें इसकी जो टोटल जिले कितने, तो 32 हैं, ठीक है, 32 हैं। और बात करें हमारी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही राजधानी कहाँ पर है, लखनऊ है। और बात करें इसकी टोटल जिले कितने, तो 75, 75 हैं दोस्तों, कितने दोस्तों, 75, ठीक है, याद रखना 75, सॉरी लिख नहीं पाया था, लगता है इस लिखने का, तो 75 इसके जिले हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जिला किसके ये पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों। वही रिपीट हो गया शायद, हाँ वही रिपीट हो गया, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं, तो इसके बारे में आपको बताना ज़्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड और कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें राजधानी दी है, कौन सा मेल नहीं खाता दोस्तों, सब कुछ आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अब इंडिया में है, कोई भी कहीं पर भी हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे तो याद होना चाहिए किसकी राजधानी कहाँ पर है, तो नॉर्मल चीज़ है ना। त्रिपुरा, तो बात करें पहले त्रिपुरा, त्रिपुरा दिया, त्रिपुरा की अगरतला क्या सही है, आप बता दीजिएगा। वहीं पर बात करें मणिपुर की, आइजोल सही है, गलत है क्या है पता नहीं, तो आप बता दीजिएगा। नागालैंड की वही करें, नागालैंड की कोयमा देरा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, तो आप लोग बताएं तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों। तो आप लोग इसके बारे में बताएं कि कौन सा सही हुआ आपके बारे में, अब मैं बता देता हूं दोस्तों, टाइम हो जाएगा। त्रिपुरा सही है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वहीं पर बात करें मणिपुर, मणिपुर की दोस्तों ये इम्फाल, आइजोल नहीं होती है जबकि इम्फाल होती है, कौन सी होती है, एक मिनट दोस्तों, इम्फाल होती है दोस्तों, ठीक है, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर, इम्फाल है। वहीं पर बात करें नागालैंड की, तो कोयमा सही है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर सही है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, तो मणिपुर, मणिपुर हमारा आंसर है, कि मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं कि इम्फाल है दोस्तों, कि मैच नहीं खा रहा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुजरात की राजधानी कब, आपके इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हाँ दोस्तों ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये दोस्तों ये भी आया हुआ है 2011 में पूछा हुआ है, ये दोस्तों कौन से लेवल में पूछा जाता है, आपको मालूम होगा कौन से लेवल में पूछा जाते हैं। तो दोस्तों बात करें झारखंड, झारखंड पी सी एस में पूछा गया दोस्तों 2011 का दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों बहुत अंदर से हम क्वेश्चन उठा के लाते हैं। झारखंड 2000 में पूछा गया था यूपी पी सी एस में, तो पहला ऑप्शन गोधारा, भाई बाड़ौदा, भाई नागा, गांधीनगर, अहमदाबाद, तो इसके बारे में सभी को मालूम होगा, तो इसकी आंसर जो है हमारा गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। तो बात करें चंडीगढ़ दिया, अंडमान निकोबार दिया, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दें, तब तक आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो बेसिक नॉलेज ये रहा कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे जो यूटी मतलब केंद्र प्रशासित राज्य वो कितने हैं, तो वो हो गए 8, कितने टोटल यूटी की बात करें हमारे प्रेजेंट टाइम पर कितने, प्रेजेंट टाइम पर यूटी कितनी है दोस्तों, तो वो है 8 दोस्तों। अभी अभी फिलहाल में जल्द ही कौन बनी है, 2, तो बनी है, एक बनी है हमारी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और एक हमारी बनी है लद्दाख दोस्तों, याद रखना एक बनी है लद्दाख, ठीक, लद्दाख, एक लद्दाख बनी है दोस्तों। बात करें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का शासन ऐसा चलेगा जैसा कि हमारी दिल्ली का चल रहा है, दिल्ली और चंडीगढ़ पुडुचेरी का चल रहा है दोस्तों, उसी प्रकार बात करें हम सॉरी चंडीगढ़ का चल रहा है। वहीं पर बात करें हमारे जो लद्दाख है, तो लद्दाख का कैसा चलेगा, लद्दाख की बात करें लद्दाख का चलेगा हमारी जो जैसे कि दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, ऐसे चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसके राज्यपाल कौन है, गवर्नर का उपराज्यपाल कौन है, तो उसके बारे में बात बता दें दोस्तों। तो प्रेजेंट टाइम पर जो जम्मू कश्मीर है उसके राज्यपाल कौन से हैं, तो उनके राज्यपाल हैं दोस्तों कौन है दोस्तों, जी सी, कौन है, जी सी मुर्मू दोस्तों, याद रखना मुर्मू। वहीं पर यूपी बाकी झारखंड हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें और राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल आर के माथुर दोस्तों, आर के माथुर, ठीक है, आर के माथुर इसके राज्यपाल हैं। बात करें
जो इसके आंसर की तो कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, तो वो दोस्तों है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित राज्य है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दोस्तों हमारा लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ता है, कुछ टापुओं का होता है यहाँ पर लक्षद्वीप होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग मालूम है दोस्तों। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रशासित राज्य नहीं है दोस्तों? ये तो सिंपल है, पहले त्रिपुरा, दमनदीप, नागरवेली, लक्षद्वीप और पंडुचेरी। तो दोस्तों इसके बारे में क्या बताना आपको, बताइए कि हमारा त्रिपुरा इसमें सहयोग नहीं करता, त्रिपुरा क्योंकि हमारा एक राज्य है, पूर्ण राज्य है। तो दमनदीप, लक्षद्वीप, पंडुचेरी ये सभी हमारे केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं दोस्तों, ठीक है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है भारत के किस केंद्र प्रशासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो प्राप्त हुआ दोस्तों? तो बात करें इसके बारे में, जो सेक्स रेशियो सबसे कम प्राप्त हुआ तो कौन किसका प्राप्त हुआ सबसे कम रेशियो, तो हम बता दें इसके बारे में, तो इसका हुआ सबसे कम हमारी चंडीगढ़ का दोस्तों। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो दोस्तों आप लोग सर्च मारिए, अगर कुछ गलती हो गई हो इस क्वेश्चन में, हमें कुछ मिस्टेक लग रही है दोस्तों, इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, शायद चंडीगढ़ है ना, तो देख लेना दोस्तों कुछ बाई गॉड, वैसे गलती नहीं होगी तो आप लोग देख लेना, वैसे तो सही है, चंडीगढ़ में 2011 के अनुसार जनगणना सबसे वो सेक्स रेशियो सबसे कम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे लगता है क्वेश्चन खत्म हुए, सॉरी। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का नक्शा देखें, तो ऐसे ही रिलेशन करके दोस्तों पढ़ा करें, फिर करें, रिलेशन जितना करोगे उतना ही फायदा रहेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों का भी भला करें, चाहें दोस्तों।